दोस्तों ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सिराजी कबूतर है। यहाँ पे एक बच्चा निकला है कबूतर का, माशाल्लाह दोस्तों ये हमारे कलसीरे कबूतर का बच्चा है जो कि बहुत ही प्यारा है। इस साल सिराजी कबूतर का जोड़ा रख चुका है, इसका जो लग गया था इसका बच्चा था, और ये अपने घर का सिटीनेट कबूतर का बच्चा है जो कि दोस्तों नर निकला है। अब दोस्तों हमको इसके लिए भी कोई फीमेल लेकर आना पड़ेगा। ये जंगली मादी है और इसके पास में दो अंडे रखे, देखिए ये मादी को कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। ये है जंगली कबूतर का बच्चा और दोस्तों बच्चे के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। देखिए ये वो मादी परकटी जो कि अभी उड़ रही है अपने घर पे। अब देखते हैं कबूतरी दोस्तों घर के ऊपर उतरती है कि नहीं उतरती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और मैं छत के ऊपर में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं अभी अपने सभी के सभी कबूतर बंद है। दोस्तों फाइनली हमारे सिराजी कबूतर का जोड़ा लग चुका है। दोस्तों जो हमारा लाल वाला सिराजी कबूतर है उसके लिए दोस्तों मैंने एक मादी लेके आया था, दिखाता हूँ आपको दोस्तों मैं। दोस्तों फाइनली ये वाले सिराजी कबूतर का भी जोड़ा लग चुका है। ये हमारा सिराजी कबूतर है जो कि दोस्तों सबसे पहला वाला सिराजी कबूतर है। ये लेके आया था दोस्तों मैंने बाजार से, और दोस्तों इसका पता नहीं क्या सीन है, ये मादी अंडे देने के लिए बैठती है मगर अंडे देती नहीं है। ऐसा लगता है मादी अंडे देने वाली है मगर अंडे देती नहीं है, एक जगह कोने में जाके बैठती है, तो पता नहीं दोस्तों कब देंगी मादी अंडे। तो दोस्तों अभी जोड़े को मैं बाहर छोड़ूंगा और आप देखना दोस्तों नर किस तरीके से मादी के ऊपर गुजरता है। और ये अपने घर का सिटीनेट कबूतर का बच्चा है जो कि दोस्तों नर निकला है। अब दोस्तों हमको इसके लिए भी कोई फीमेल लेकर आना पड़ेगा क्योंकि मेल निकल गया, ये कबूतर बाहर आ गया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको इसका जोड़ा कैसा लगा। दोस्तों इनके जो बच्चे निकलेंगे एकदम प्योर निकलेंगे, इसलिए दोस्तों इनका जोड़ा लगाया हूँ मैंने। दोस्तों बहुत पहले इस वाले सिराजी कबूतर के पर में मैंने घुंघरू डाल के रखा था मगर दोस्तों बाद में मैंने घुंघरू निकाल दिया था। अब दोस्तों मैं सोच रहा हूँ आगे चल के दोस्तों इस कबूतर के पर में मैं घुंघरू डालूंगा। और दोस्तों दो तीन दिन पहले इस मादी के मैंने पर खोला हूँ, ये देखिए दोस्तों अपने पास जितने भी सिराजी कबूतर है उन सबके पर खुले हुए, ये दोनों के तो खुले हुए थे, और जो इधर बैक वाले का जोड़ा है इसके भी खुले, और उधर जो रेड वाला है उसके पर खुले हुए, मतलब दोस्तों जितने भी सिराजी कबूतर है सबके पर खुले हुए। दोस्तों देख सकते हैं आप मौसम कितना ज़्यादा मस्त है एकदम। दोस्तों ऐसे मौसम में कबूतर उड़ाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। दोस्तों ये पेटी है जो कि दोस्तों मुझे आर्यन ने ला के दिया था, और इस पेटी को मैंने बाजू में रखा था मगर दोस्तों कल शाम में इस पेटी को मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ क्योंकि मुझे इसमें दो अपने फेंटल कबूतर रखना है। इसमें दोस्तों हम ऐसा पार्टीशन करेंगे इस साइड से और दो फेंटल कबूतर रखेंगे, एक अपना बघीरा रहेगा और एक दूसरा अपना ब्लैक वाला फेंटल कबूतर, और इसको मैं एकदम अच्छी तरीके से पीठी बनाएंगे कबूतर की। और दोस्तों ये पीठी मैं क्यों बना रहा हूँ उसका रीज़न आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा लॉफ्ट है और इसके अंदर मैं अपने फेंटल कबूतर रखे ब्लैक वाले। ये अपना बघीरा और ये है अपना ब्लैक फेंटल। ये कबूतर का बच्चा बाहर आ गया, ये देखिए और एक बाहर आ रहा। तो दोस्तों जितने कबूतर बाहर आते हैं उनको हम बाहर कर देते हैं। हमारा जो लॉफ्ट है माशाल्लाह पूरा फुल हो चुका है। और ये है दोस्तों अपना हमशकल कबूतर। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ इसका जोड़ा मैं इस मादी के साथ में लगाता हूँ। तो दोस्तों अभी कबूतर बाहर नहीं कर रहे हैं तो कबूतर को हम बाहर कर देते हैं। एक एक करके सारे कबूतर बाहर आ जाएंगे और पानी के टाके में भी मैंने पानी भरा नहीं हूँ। और दोस्तों अपने सिराजी कबूतर पता नहीं कहाँ गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम के ऊपर बैठे। दोस्तों सारे कबूतर अपने बाहर के लॉफ्ट के, और लगता है ऊपर में कोई नया कबूतर उड़ रहा क्योंकि अपने बाकी कबूतर ऊपर दिख रहे। दोस्तों खास तौर पे हम इन्हीं कबूतर के लिए पीठी बना रहे। चलो दोस्तों पानी तो भर दिया हमने, और ये देखिए आप ये मादी के पर कटे हुए, फिर भी दोस्तों मादी उड़ रही है, पर कटे हुए दोस्तों मादी उड़ रही है, देखिए आप। ये बाकी कबूतर सब अपनी मस्ती में सुबह के टाइम पे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है वो मादी अगर ऐसी उड़ेंगी तो अपनी घर की पक्की हो जाएंगी। और ये है दोस्तों अपना जीरा कबूतर, हमारे यहाँ दोस्तों इसको नौरंग बोलते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। और दोस्तों ये कबूतर भी मैंने पकड़ा था और ये मादी है। अगर दोस्तों इनका जोड़ा लगाऊंगा तो बच्चे बहुत ज्यादा खूबसूरत निकलेंगे। तो दोस्तों अभी पेठी वाले कबूतर बाहर नहीं कर रहे तो ये कबूतर को हम बाहर खोल लेते। दोस्तों अभी सारे कबूतर खुल गया हूँ मैंने, और जो दोस्तों परकटी चीनी मादी थी वो दोस्तों अभी उड़ रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये वो मादी परकटी जो कि अभी उड़ रही है अपने घर पे। अब देखते हैं कबूतरी दोस्तों घर के ऊपर उतरती है कि नहीं उतरती है। ये परकटी चीनी मादी। तो दोस्तों अभी तो अपने कबूतर खुले हैं तो उस मादी को कबूतर दिख रहे होंगे। अब देखते हो मादी घर के ऊपर उतरती है या नहीं उतरती है। ये देखिए घर के ऊपर उड़ रही। दोस्तों मादी के सिर्फ पाँच पाँच पर है और पाँच पाँच पर भी दोस्तों मादी इतना उड़ रही है। तो दोस्तों जब ये मादी बैठेंगी तब मैं आपको बताता हूँ। अभी कबूतरी नीचे आ चुकी है, आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ बैठी है। दोस्तों ये चीनी कबूतरी जो कि उड़ रही थी इतनी देर से, और दोस्तों अभी भी अपना एक कबूतर ऊपर उड़ रहा है जो कि दोस्तों अपने सीजन में उड़ता है। और ये आ रहा सामने से एक जंगली कबूतर, देखिए ये जंगली कबूतर है और बाकी अपने गोला कबूतर उड़ रहे। और ये अपनी सिराजी मादी जो कि दोस्तों हमने पर्दा कर दिए, और ये बैठा है उसका नर। दोस्तों अभी कबूतर का एक बच्चा निकला है तो आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा कबूतर का बच्चा निकला है। माशाल्लाह दोस्तों ये हमारे कलसीरे कबूतर का बच्चा है जो कि बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए इनका फिर से झगड़ा चालू हो गया, तू जा बेटा इधर,
ये अपना बड़े वाले शिराजी कबूतर और ये अपना पुराने वाले शिराजी कबूतर। देखते हैं दोस्तों दोनों में से पहले अंडे किसके होते हैं, इसके अंडे पहले होते हैं या इसके अंडे पहले होते हैं। इस बच्चे को हम रख देते हैं अंदर में यहाँ पे इस जगह पे, ये जंगली मादी है और इसके पास में दो अंडे रखे। देखिए ये मादी को कितना ज्यादा गुस्सा आता है दोस्तों। इसका एक बच्चा बड़ा हो चुका है तो आपको बच्चा दिखाते हो बच्चा कैसा बना है। तो दोस्तों अभी आपको मैं जंगली कबूतर का बच्चा बताता हूँ कैसा बच्चा बना है। दोस्तों दो बच्चे निकले थे, एक काला निकला था और एक हरा निकला था। तो दोस्तों काला बच्चा एक्सपायर हो गया था और अभी एक हरा बच्चा बचा है, तो हरा बच्चा आपको दिखाता हूँ। ये है जंगली कबूतर का बच्चा और दोस्तों बच्चे के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। देखिए पीली आंखें बच्चे की। तो दोस्तों ये बच्चा है हमारे जंगली कबूतरी का। दोस्तों पहले ही मेरे पास जंगली कबूतर के दो बच्चे रखे और अभी दोस्तों ये बच्चा निकल गया जो कि पीली आंख का है। तो देखते हैं दोस्तों ये नर निकलता है या मादी निकलता है। और दोस्तों जंगली मादी ने फिर से दो अंडे दे दी। तो देखेंगे दोस्तों इस बार फिर से जंगली मादी के बच्चे निकालेंगे। दोस्तों जंगली कबूतर के जो बच्चे रहते ना घर के बच्चे तो पक्के रहते, घर छोड़ के जाती नहीं जरा सा भी। दोस्तों पता नहीं इस कबूतर को क्या हो गया, ये कबूतर दोस्तों मेरा उड़ता था मगर दोस्तों इस कबूतर की आंख में थोड़ा सा पर्दा आ चुका है। मगर टेंशन किसी कोई बात नहीं दोस्तों, इसका इलाज चालू है, बहुत जल्दी दोस्तों कबूतर ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों इलाज की बात आई, दोस्तों काफी टाइम पहले मैंने कबूतरी को रसगुल्ले का पाक पिलाया था। तो दोस्तों आप भाइयों को बताना है वो मादी ठीक हुई या नहीं ठीक हुई। ये वो मादी है जिसको मैंने रसगुल्ले का पाक पिलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मादी ठीक हो चुकी है, ये देखिए हाथ में नहीं आ रही। दोस्तों जो इसके मैंने बाल निकाला था वो बाल भी दोस्तों आ चुके हैं, शायद आप भाई को दिख चुके होंगे। तो दोस्तों मादी ठीक हो चुकी है और दोस्तों जो मैंने आपको इलाज बताया था वो दोस्तों इलाज भी सक्सेसफुल है। तो इस मादी को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे और बाकी कबूतर यहाँ पे आ गए। तो इन कबूतर को कर देते हैं मित्र में क्योंकि इस जगह से आती है बिल्ली। दोस्तों काफी सारे भाई के हमें कमेंट आ रहे थे, गोलू भाई जो आपने दूसरे शहर से कबूतर ले गए वो कबूतर कहाँ गए। ये दोस्तों जो हमने दूसरे शहर से कबूतर ले गए थे और दोस्तों ये मादी है और इस मादी ने दो अंडे दी। एक अंडा मैंने इसी के पास रखा हूँ और एक अंडा मैंने किसी और कबूतर के पास में रखा हूँ क्योंकि दोस्तों एक एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पलता है। दोस्तों एक ये कबूतर था और एक ये कबूतर था, तो तीनों भी कबूतर आपको दिखा दिया हूँ मैंने, एक दो और वो तीन। दोस्तों इस कबूतर का जोड़ा मैं बहुत जल्दी लगा दूंगा। दोस्तों अभी भी अपना एक कबूतर ऊपर में उड़ रहा, तो बाकी कबूतर उस कबूतर को देख रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों वो कबूतर कब उतरता है। दोस्तों अंडे बच्चे वाले कबूतर है, इनको दोस्तों भूख लगी है तो ये कबूतर इसलिए यहाँ पे आ रहे क्योंकि दोस्तों इसी जगह पे मैं दाना रखता हूँ। चलो इधर। तो दोस्तों ये कबूतर को हम दाना डाल देते हैं। दोस्तों ये उड़ रहा अपना कबूतर, देखिए आप। तो हम कबूतर को दाना डाल देते हैं इस जगह पे। दोस्तों अंडे बच्चे वाले कबूतर पहले दाना खाते और दोस्तों जो सिंगल कबूतर है वो दोस्तों आराम से दाना खाते। दोस्तों अभी अंडे बच्चे वाले कबूतर का दाना खा के हो चुका है और जो दोस्तों हमने शिराजी कबूतर अंदर बंद करे थे वो कबूतर को कर देते हैं बाहर। दोस्तों ये जो शिराजी कबूतर है दोस्तों ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली शिराजी कबूतर है। दोस्तों बहुत ही प्यारा कबूतर है ये। और ये दूसरा शिराजी कबूतर है जो कि ब्राउन कलर का है और ये तीसरा शिराजी कबूतर है जो कि ब्लैक कलर का है। तो भी बाहर जा। दोस्तों तीन नर और दो मादी अपने पास में। तो अभी अंडे बच्चे वाले कबूतर कर दूंगा मैं बंद और सिंगल कबूतर खुले रख दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो को हम एंड करते। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।